हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम विकी विद्या के कास्ट के बारे में बात करेंगे। विकी विद्या के वो वाले वीडियो की बात हमने अपनी लास्ट वीडियो में की थी और अब हम इनके कास्ट के बारे में बात करें। तो चलिए स्टार्ट करते। जो हमारी पहली एक्टर है वो है तृप्ति डिमरी। और तृप्ति डिमरी को तो हम सभी जानते हैं, जिन्होंने एनिमल में थोड़ी देर के लिए आके रश्मिका मंदाना के सीन को फीका कर दिया था और ये भाभी टू के नाम से छा गई थी। और अब हम बात करने जा रहे हैं राजकुमार राव की, जो फिलहाल में स्त्री टू में नजर आए थे और इनकी ये मूवी हिट गई थी। राजकुमार राव सीधे और सरल स्वभाव के व्यक्ति दिखते हैं और इनकी कॉमेडी टाइमिंग भी बहुत अच्छी, कॉमेडी भी ये बहुत ही उतनी ही लगन से निभा लेते हैं। अगली एक्टर हैं मल्लिका शेरावत। और मल्लिका शेरावत को कौन नहीं जानता। मल्लिका शेरावत 90s के दिनों से टीवी इंडस्ट्री पे छाई हैं। कुछ दिनों से ये नहीं थी लेकिन अब आ गई हैं। और अगले एक्टर हैं विजय राज। ये भी अपनी कॉमेडी के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हैं। कौवा बिरयानी के रोल को कौन नहीं जानता, जो जिसने एक बार देखा वो भूल नहीं पाया। जितना अच्छा ये कॉमेडी रोल में करते हैं उतना ही अच्छा ये सीरियस रोल भी करते हैं। दोनों रोल को ये बखूबी तरीके से निभाते हैं, इसलिए दर्शक इन्हें काफी पसंद करते हैं। अगले अगले एक्टर हैं कीकू तलसैनिया, और ये भी अपने कॉमेडी रोल के लिए ही जाने जाते हैं। और इनका तो फेस ही है, जैसे देख लो तो हंसी आ जाए इस टाइप से। और हमारी अगली एक्ट्रेस है अर्चना पूरन सिंह। ये अपनी हंसी के ठहाकों के लिए काफी प्रसिद्ध है। फिर वो कपिल शर्मा शो हो या फिर कॉमेडी सर्कस का स्टेज, दोनों जगह पर इन्होंने अपनी धाक जमाई हुई है। और फिल्मों में भी, कई फिल्मों में भी इन्होंने कॉमेडी का रोल किया है और पुलिस इंस्पेक्टर का रोल भी इन्होंने बखूबी कॉमेडियन तरीके से निभाया है। इसी लिस्ट में अगला नाम आता है अर्चना पटेल का। और हमारे अगले एक्टर हैं दलजीत अरोड़ा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, जैसा कि कहते हैं, शहनाज कौर गिल। ये बिग बॉस 13 से काफी फेमस हुई और ये सिद्धार्थ शुक्ला के साथ साथ अपनी फ्रेंडशिप को लेकर भी काफी फेमस है। और फिलहाल इस फिल्म में ये आइटम सॉन्ग का रोल अदा कर रही हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।